डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ समरी ऑफ ऑल नॉर्मल फॉर्म्स, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीसीएनएफ, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी डिटेल वीडियो अकेले अकेले नॉर्मल फॉर्म की ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन ये समरी देने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको विद रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा सकूं कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में सिनेरियो क्या होता है। क्योंकि जब एग्जाम में आप जाने वाले होते हो तो आप डिटेल की बजाय आपको ऐसी समरी वाली वीडियो चाहिए होती है कि यार फटाफट से मेरे को पता लग जाए कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में क्या कुछ होता है। और मैं आपको इस वीडियो की गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप चाहे इंटरव्यू के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको टास्क ही दे रहा हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही के दिन लेके आना है, और अगर आप ये कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिख देना ताकि मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी एटॉमिक वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होने चाहिए। थ्योरी में कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, मतलब आपको टेबल दे रखा है, उस टेबल में लेट से कोई रोल नंबर है, रोल नंबर इस तरीके से दे रखा है 1, और उसके आगे कोर्स दे रखा है कि कोर्स वो पढ़ रहा है C, C++, या रोल नंबर 2 वो पढ़ रहा है C++, Java। मतलब इस तरीके से अगर आपके पास एक कॉलम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर आप आते हैं, मतलब आप अगर लेट से वो बंदा एक से ज्यादा कोर्स पढ़ रहा है, तो आप कोमा डाल के अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? एवरी एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, एटॉमिक होना चाहिए, उसमें एक वैल्यू ही डालो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ रहा है तो फिर क्या करेंगे? उसके मल्टीपल तरीके हैं, या तो आप अलग अलग कॉलम्स बना दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सी और नीचे दूसरी लाइन में C++, तीसरी लाइन में इस तरीके से अलग अलग लाइन में लिख दो, या फिर आप दो अलग अलग टेबल बना दो, एक में रोल नंबर और कोर्स वाला, दूसरे में आप अलग से रख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, रेमेडी क्या है, वो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो में बताई हुई है, लेकिन आपको यहां पे जस्ट एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिर्फ एटॉमिक वैल्यू या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन हम कौन सी लगाते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही सबसे पहले लगाते हैं। देन आती है जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या है कि पहले तो टेबल फर्स्ट में होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो मतलब क्या होना चाहिए? फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, रियल लाइफ एग्जांपल। लेट्स से ए बी मिलके किसी सी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ए बी क्या है? कोई कैंडिडेट की है, यूनिक है, तो वो किसी सी को, और सी यहां पे क्या है? नॉन यूनिक है। तो मतलब कहने का कि एक यूनिक बंदा किसी नॉन यूनिक को डिटरमाइन कर रहा है, तो करेगा ही भैया, इसमें रिपीटेशन है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन, हम किसकी बात करें? हम ए बी को देखेंगे तो ए बी बता देगा कि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन अगर इसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करें, तो लेट से कि कंपनी है, कंपनी के अंदर दो फाउंडर्स हैं, ए और बी। ए और बी मिलके किसी सी को अप्रोच कर रहे हैं कि भैया आप फाइनेंस करो, हम ये करेंगे वो करेंगे, स्टार्टअप है हमारा। और लेट से अगर इसी सिचुएशन में अकेला बी जाके भी सी को बोल रहा है कि भैया ए को मार गोली, ए को छोड़, तो मेरे को फाइनेंस कर, मैं तेरे को ये दूंगा, ऐसे करूंगा, तो यहां पे क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? ए बी मिलके अगर सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो बी अकेला या ए अकेला मिलके बिना उसकी हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर आपके टेबल में आपको डिपेंडेंसी दे रखी है और अगर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो फुल डिपेंडेंसी क्या कहती है? कि अगर ए बी कैंडिडेट की है, वही सी को डिटरमाइन कर रही है, तो अकेला ए या अकेला बी डिटरमाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर अकेला ए या अकेला बी कैंडिडेट की है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमने कैंडिडेट की पहले ही बता दी है, ए बी इकट्ठी मिलकर क्या है? कैंडिडेट की है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, आपको जब भी एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी के केस में याद रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर किसी नॉन यूनिक को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये गड़बड़ है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसको हटाने के लिए हम फुल डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। देन आ जाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? सेकंड में होना चाहिए, प्लस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? X डिटरमाइन कर रहा है Y को, Y डिटरमाइन कर रहा है Z को। वैसे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही इसको देखने में, लेकिन सिनेरियो देखो क्या है,
एक्स यहां पे क्या है, लेट से कोई प्राइमरी की है या कैंडिडेट की है, मतलब यूनिक एट्रीब्यूट है, वो किसी वाई को विच इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या आप कह सकते हो नॉन यूनिक एट्रीब्यूट है, उसको डिटरमाइन कर रहा है। तो कोई गड़बड़ नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। नॉन यूनिक के लिए ऑब्वियसली हम किसी यूनिक की हेल्प लेंगे, वो डिटरमाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन दिक्कत कहां से स्टार्ट हो रही है, जेड भी यहां पे एक है और वो भी क्या है, नॉन प्राइम है। जेड क्या है, नॉन प्राइम है या नॉन यूनिक काइंड ऑफ एट्रीब्यूट है, वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है। अब यहां पे गड़बड़ स्टार्ट हो गई, क्यों, जो एक्स है ना वो जेड को डिटरमाइन कर रहा है, कैसे, ट्रांजिटिवली, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है, और इसकी वजह से एक्स भी जेड को डिटरमाइन कर रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जेड को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ना कर रहा, वो वाई के थ्रू कर रहा है, और वाई तो खुद ही यूनिक है, y तो खुद ही क्या है, नॉन यूनिक है। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो रही है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समय ना हो कि लेट्स से क्लास है, क्लास में तीन बंदे हैं, x जो है वो क्लास का टॉपर है और उसका फ्रेंड आगे y जो कि बहुत ही नलायक है, ठीक है, तो वो x कह रहा है y को कि भैया तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को अपने आप एग्जाम में पास करवा दूंगा। तो y कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपनी तो टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन दिक्कत कहां आई कि y का आगे एक फ्रेंड है जेड, और वाई आगे जेड को पूरा शो ऑफ कर रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को अपने आप पास करवा दूंगा। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि एक्स तो एक्चुअल में वाई का दोस्त था, एक्स वाई की हेल्प कर रहा है, लेकिन वाई अपने आप में चौड़ दिखा रहा है, वो कह रहा है कि भैया तू टेंशन मत ले, जेड को कह रहा है मैं अपने आप तेरे को पास करवा दूंगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि एक्स एक्चुअल में क्या था, प्राइम एट्रीब्यूट था, यूनिक था, वो जस्ट वाई को हेल्प कर रहा है, लेकिन वो एक्स जो है अब जेड को भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, वाई के थ्रू। हां अगर वाई प्राइम होता, अगर वाई भी इंटेलिजेंट होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वाई खुद क्या है, नॉन यूनिक है, यहां पे दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको कई बार दे देते हैं कि नो नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन नॉन प्राइम। अगर आपका प्राइम, अगर लेट्स से इस केस में हम नो हटा दें, मतलब नॉन प्राइम डिटरमाइन नॉन प्राइम, तो यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो नहीं है। लेकिन अगर नो नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन नो नॉन प्राइम, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उस केस में कह सकते हो कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। देन आ जाते हैं BCNF। BCNF क्या कहता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी कैंडिडेट की, मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपको कोई भी इस तरीके से डिपेंडेंसी दे रखी है x goes to y, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी ना, या तो वो कैंडिडेट की होनी चाहिए या फिर सुपर की होनी चाहिए। मतलब कहने का कि y जो राइट हैंड साइड का एट्रीब्यूट है वो हमेशा कैंडिडेट की या फिर सुपर की से ही डिटरमाइन होना चाहिए। अगर ऐसा सारी डिपेंडेंसीज में है, मतलब BCNF में है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में, फिर वो होगा। तो यहां पे कहानी जो है वो मैक्सिमम आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां तक आपकी जो मैक्सिमम रिडंडेंसी है वो रिमूव हो जाती है, कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक स्पेशल देन आई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, मल्टी वैल्यूड। पहले तो वो कह रहा है कि BCNF में होना चाहिए प्लस मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यार ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि लेट्स से मैं अगर अपना एग्जांपल ले लेता हूं, वरुण। अब वरुण के लेट्स से आगे तीन मोबाइल नंबर्स हैं, तीन फोन नंबर हैं, और उसके आगे क्या है, लेट्स से तीन ईमेल आईडीज हैं। अगर आपको इस तरीके का डेटा स्टोर करना हुआ तो आप कैसे करोगे, लेट्स से वरुण है, उसके तीन मोबाइल नंबर है और तीन ईमेल है, अगर आप इसको टेबल में स्टोर करोगे तो कैसे करोगे, इसी तरीके से करोगे, वरुण मोबाइल नंबर वन ईमेल वन, देन वरुण मोबाइल वन ईमेल टू, देन वरुण मोबाइल वन ईमेल थ्री, इस तरीके से फिर मोबाइल टू ईमेल वन, मोबाइल टू ईमेल टू, मोबाइल, तो कितनी रोज बनेगी, 9 रोज बनेगी। अरे बंदा जब एक है तो इतनी आपको रोज यहां पे बनानी पड़ रही है, और उसका वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वरुण जो है, जो ये नेम है ना, नेम यहां पे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट है फोन नंबर पे और ईमेल पे, और आपस में मेल और जो ये नंबर है और ईमेल का कोई लेना देना नहीं है। तो जब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मोबाइल और ईमेल का, तो वो क्या कहता है कि आप अलग अलग टेबल बना दो, एक टेबल में आप वरुण और मोबाइल नंबर स्टोर कर दो, एक टेबल में आप वरुण और ईमेल आईडी स्टोर कर दो, जस्ट टू रिड्यूस द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो ये है एक्चुअल में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की कहानी, जब एक के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज हो इन मल्टीपल एट्रीब्यूट, उसकी वजह से इतनी जो रिपीटेशन हो जाती है,
होती है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई की भी बनाओगे तब भी आप की बना ही नहीं सकते। रीजन उसका क्या है, अगर आप की बनाओगे तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यूज हैं तो उनको मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए अलग अलग टेबल्स में डीकम्पोज कर दो। फाइनली आ जाते हैं जी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। वो कहता है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए प्लस लॉसलेस डीकम्पोजिशन होना चाहिए, मतलब लॉसी डीकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा लॉसलेस हो। लॉसलेस का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर टेबल है, उस टेबल को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, आपने उस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कुछ एट्रीब्यूट्स इधर कुछ एट्रीब्यूट्स उधर, मतलब इनको जब आपने डिवाइड किया ना तो आपने वर्टिकली डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, मतलब कुछ कॉलम्स इधर आ गए कुछ कॉलम्स इधर आ गए, रोज एज इट इज रही, नंबर ऑफ रोज उतनी रही। अब जब इन टेबल्स को आप दोबारा से कंबाइन करोगे देयर माइट बी अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट स्पूरियस टपल्स, मतलब एक्स्ट्रा टपल्स आ सकती हैं। उन एक्स्ट्रा टपल्स अगर को बचाना है, मतलब उसको बोलते हैं हम लॉसी डीकम्पोजिशन, तो अगर उनको बचाना है और ये आप कह सकते हैं लॉसलेस डीकम्पोजिशन बनाना है, तो आप क्या करो, जब इन टेबल्स को, इस बड़े टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर रहे हो तो उसमें जो कॉमन है ना, उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी कैंडिडेट की। जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, या तो इस टेबल का या इस टेबल का या मेन टेबल का, कैंडिडेट की अगर होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टपल नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल नॉर्मल फॉर्म्स, इनकी बेसिक समरी आपको बता दी, बाकी की डिटेल कहानी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हो। थैंक यू।